What's up, Bushman? Amen. We had a Bushman. क्योंकि हम पहले से भी ज्यादा इसलिए खुश हैं क्योंकि गुजरे हुए और फिर संडे को सैटरडे को हमने जो खुदा के खादम से बरकत पाई उसके सबब से हम सब लोग खुश हैं और जो कलाम उन्होंने हम तक पहुंचाया और जिस तरीके से समझाया ये बहुत ही उम्दा मौका था हमारे। हमने खोया कुछ नहीं पाया ऐसा मौका बहुत कम मिलता है। एक दफा पहले हमें मिला पास्टर नवीद मर्द। ये लोग जो दूसरे मजहबों से आए हैं कन्वर्ट होके आए हैं क्योंकि वो अपने मजहब की भी जान पहचान बड़ी अच्छी लगती है, इसलिए उन्हें समझाने के लिए और कलाम को पाने के लिए ज्यादा मुश्किल तो नहीं लगती, लेकिन उनकी कन्वर्जन देखिए। अभी जमने मसीह अभी अलग मसीह हमने बहुत ढील दे रखी है अपने आप, इसीलिए हम अभी आज भी पीछे हैं। बहुत अफसोसनाक खबर शेयर करता हूं, जड़ावाला में जो वाकया हुआ उस बच्चे को सजाए बहुत आज सुना दी गई है और इससे पहले फैसलाबाद में क्या नाम है भाई का, उन्हें वैसे मार मार के मार दिया करे सुप्रीम कोर्ट तक अपील जाए या बच जाए, लेकिन जो उन्होंने करना था वो अपने बाप के लिए अपनी कौम के लिए सबके लिए दुआ करते रहा, ये बहुत जरूरी है। हमें गुजरी बातों में यही सबक मिला है कीप ऑन प्रेइंग, दुआ करते रहे, दुआ ही एक आपके पास ऐसा हथियार है जिससे आप अपने खुदावंद से कलाम कर सकते हैं। आए मेरे साथ निकाले लूका सूर की जीत पहला बाप 1-10 आए, बड़ी सिंपल सी कहानी है लेकिन इसमें बहुत कुछ हमें मिलता है। लूका सूर की जीत उसका 19 बाप पहली और पहली आय से शुरू करेंगे। वो यरूशलेम में दाखिल होकर जा रहा था और देखो जकई नाम एक आदमी था जो मसूल लेने वालों का सरदार और दौलतमंद था। और देखो जब वो यरूशलेम शहर में दाखिल हो रहा था आज उसने पूछे कौन मिला जकई नाम, उसने देखा एक शख्स को। लेकिन याद रखें कि इससे पेशे के खुदावन यसु मसीह उसे देखता वो शख्स खुदावन यसु मसीह को देखना चाहता था। हम नहीं जानते कितनी बार उसने कोशिश की, कितनी बार वो उसके रास्ते में आया, कितनी बार जब उसने सुना कि खुदावन यसु मसीह फलां फलां जगह जाने वाले हैं या आने वाले हैं तो वो वहां जरूर पहुंचता होगा क्योंकि वो यसु को देखना चाहता है। यशु को हम सब देखना चाहते हैं और ये उन लोगों की खुशकिस्मती है जो उस दौर में वो जिंदा थे और यशु से आमने सामने मिलते थे, उसका कलाम सुनते थे, उसको देखते थे। क्या हुआ फिर? वो यशु को देखने की कोशिश करता था कि कौन सा है। वो यीशु को देखने की कोशिश करता था कि वो कौन शख्स है। बहुत बड़ी भीड़ थी, लोग बहुत थे, उसे अभी तक नहीं पता था कि इनमें यीशु कौन है, लेकिन वो चुस्त जूब और कोशिश में लगा रहा आगे। लेकिन भीड़ के सबब से देख ना सकता, और भीड़ के सबब से देख ना सकता था इसलिए कि उसका कद छोटा, उसका कद छोटा था। अब लोग डाम पर ज्यादा होंगे बड़ा मुश्किल होता है, धक्का पे छोटे कद वाले को वैसे ही वो मसल देंगे, आगे जाने ही नहीं देंगे, ये अक्सर होता है। मुझे याद है कि सन 68 की बात है, मुझे हमारे स्कूल में इसलिए ने बड़ा गौर से देखा, बड़ी पुरानी मेरी उम्र 39 जमात में मैं पढ़ता था, पाकिस्तान के सदर अयूब
हमारे अफ्रीका बाद से गुजरकर उन्होंने आगे एक जगह जाना था, वहां एक स्मिथ कंपनी है वो ट्यूबल लगा रही थी, क्योंकि हमारे मुल्क में उस वक्त सेम और चूर का बड़ा मामला था, और ये कंपनी ट्यूबल जगह जगह लगाती थी, और ये मुल्क में जो हमारे जमीनों को आबाद करने के लिए वो सेम और चूर को मकाने के लिए लगाए गए ताकि पानी खींचे, और सदर पाकिस्तान सदर आयुब ये वहां से गुजरने वाले थे गाड़ी में, स्कूल के बच्चों को खड़ा किया गया, गेट लगाए गए, बहुत लोग आए, हर एक कोशिश कर रहा था कि मैं आगे हो जाऊं ताकि मैं उसको देख सके, एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं। तो याद रखें ये शख्स भी इसी तरह भाग रहा था, जाना चाहता था, यीशु को देखना चाहता था, कौन है वो यीशु, शायद उसने बहुत चर्चा उसका सुना था लेकिन मिल नहीं सकता। पास उसे देखने के लिए आगे दौड़कर एक दूल्हा, अब उसने ये सोचा कि सबसे बेहतर है कि मैं आगे दौड़ के जाऊं, क्या करूं, दूल्हा मेरे पास पेड़ पर आगे सारा पड़े था, दस मिनट तक क्योंकि वो उसी राह से जाने को था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर निगाह करके उससे कहा, ऐ ज़कई जल्द उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर रहना जरूर है। वो जल्द उतर कर उसको खुशी से अपने घर ले गया। जब लोगों ने ये देखा तो सब बड़बड़ा कर कहने लगे कि वो तो एक गुनाहगार शख्स के हाँ जा उतरा। और ज़कई ने खड़े होकर खुदावन से कहा, ऐ खुदावन देख, मैं अपना आधा माल गरीबों को देता हूँ, और अगर किसी का कुछ ना हक ले लिया है तो उसको चुगना अदा करता हूँ। यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में नजात आई है, इसलिए कि ये भी अब्राहम का बेटा है, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुए को ढूंढने और नजात देने आया है। लिखा है कि वो यीशु को देखना चाहता था, पहला काम क्या किया उसने, लिखा है कि वो आगे दौड़ा, क्या किया उसने, आगे दौड़ा, आगे दौड़ा, दौड़ की दौड़ में शुरू हो गया कि मैंने आज यीशु को देखना है। हम अभी पीछे दौड़ रहे हैं, हम बहुत पीछे हैं अभी, जब हम इन लोगों का कलाम सुनते हैं जो दूसरे मजहब से आके कन्वर्ट होते हैं, तो हम लोग सोचते हैं अपने आप पर हम बहुत पीछे हैं। क्यों पीछे, क्योंकि हम दौड़ना नहीं जाते थक जाओ, और कामों में मसरूफ है, हमारी दौड़ किसी और तरफ जा रही है, हम किसी और नक्शे पर हैं या किसी और निशाने पर हैं। हकी के सामने क्या था, क्यों दौड़ा हुआ, यीशु को देखना चाहता, यीशु को देखना चाहता था, और कोई फायदा नहीं, वो कूलर पर इसलिए नहीं चढ़ना चाहता था कि कुछ मैं के दौड़, क्योंकि उसका कद छोटा था और वो चाहता था कि यीशु को आज मैं जरूर देखूंगा। वो दिन उसके लिए आपको पता वो कौन था, मशहूर लेने वालों का सरदार, बड़ा ठेकेदार था, दौलतमंद था, क्या नहीं था उसके पास। हमने पिछले दिनों एक से मैसेज सुना, क्या कुछ नहीं था उसके घर में, वो दौड़ा लेकिन कहां दौड़ा, मुल्क दूसरे, वो यीशु को छोड़ के दौड़ा, खुदा को छोड़ के दौड़ा, अपने बाप को छोड़ के दौड़ा, लेकिन ये कहा दौड़ रहा है, यीशु को देखना चाहता है। आगे जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर निगाह कर, और याद रखे यीशु जानता था, यीशु जानता था वो कहां से दौड़ा आ रहा है और कहां जा रहा है, वो गुलाम उसे मिलना चाहता था, क्योंकि उसने दौड़ लगाई, कोशिश की, मेहनत की, यीशु मिल जाता है। कलाम मुकद्दस जो हमें दिया गया है
इब्तदा में कलाम था और कलाम खुदा के और पदेश में क्या लिखा हुआ कि खुदा की रूह कहां पर थी? पानी की सतह पर चुंबच कर ली थी। रूह क्या है? रूह क्या है? कलाम है। वो जानता था क्योंकि वो रूह है। यीशु जानता था कौन शख्स है यहाँ पर, किस दौर में दौड़ रहा है, किस मुश्किल में है, किस जस्तजु में है। जब यीशु वहां पहुंचे तो उसने से क्या कहा? मैंने इश्क भाई क्या कहा यीशु ने? नीचे नीचे उतरा। कितना वो खुशकिस्मत इंसान था। वो यीशु को देखना चाह रहा है, वो दौड़ा जा रहा है, दरख्त पर भी पता नहीं कैसे मुश्किल से चढ़ गया होगा। और जब यीशु वहां पहुंचा वो जानता था, तो उसने क्या कहा? जब वो सोचता होगा अपने बारे में, मैं वसूल लेने वाला, दौलतमंद, ये कैसे हो गया? मैं तो दौलतमंद हूं, बहुत पैसा भी है मेरे पास, यीशु ने मुझे कैसे बना लिया? ने पढ़ा हुआ दौलतमंद दौलत क्योंकि ये दौलतमंद दौलत को नहीं किसको ढूंढ रहा था? यीशु को ढूंढ रहा था, उसकी दौड़ में दौड़ रहा था। देखना चाहता देख लिया, शर्म बैठे वापस अपने काम पर चला जाऊंगा, फिर जाके मसूर चुकी पर बैठ जाऊंगा। लेकिन जब यीशु वहां पहुंचा तो उसे उसने देखा और क्या कहा कि आए देखे नीचे उतरा, क्योंकि क्या है? आज मुझे तेरे घर में रहना है। आइए बात आंखें को देखे को दौड़ी नहीं दौड़ी, आज मुझे तेरे घर में सोच भी नहीं सकता था, उसकी सोच नहीं थी। वो इसलिए दौड़ा नहीं जा रहा था कि वो दौड़ के दरख्त पर चल जाएगा और उसे क्या सुनने को मिलेगा। ये वो यीशु है जो मौजूदे करता है, बीमारों को अच्छा करता है, लंगड़ों को चलाता है, जो नाबीना है उनको आंखें देता है। ये तो उसने सुना हुआ, लेकिन उसे सबसे ज्यादा नेमत मिली कि आज मुझे तेरे घर में। उस वक्त का इंतजार करें, उसके लिए मेहनत करें, उसके लिए दौड़े, उसके लिए कलाम का मुताला करें। कहां है यीशु? कब तुझे मिल जाएगा? और वो आपसे कहेगा आज मुझे तेरे घर में। हो सकता है, लेकिन यीशु ने उसे कहा आगे जी वो जल्द उतर कर, और वो जल्द उतर कर इंतजार नहीं उसको खुशी से अपने घर ले गए, और वो उसे खुशी से अपने घर ले गए। मेरा ख्याल है उस वक्त मैं तो देखने आया, पर जल्दी बना देख लो मैंने लिया। लेकिन यीशु ने मुझे कहा कि आज मुझे तेरे घर जाना जरूरी है। यीशु आपके घर में
यीशु आपके खानदान में रहना चाहता है, यीशु आपकी कलीसिया में रहना चाहता है, और सबसे बढ़कर यीशु आप में रहना चाहता है, जिसमें मसीह का रूह नहीं वो मसीह का ही नहीं है। यस ऐ दोनों भाई बहन, ला 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 अजीजो, आज भी हमारे पाकिस्तान में मसीह पर बहुत सी अजियत दी जाती है, बहाने बहाने से। ये नहीं कुरान सब कुरान को छाट से मैंने नेट पे सुना, एक अपना क्या कहते नहीं तो मीडिया वाले होते, उसने बड़ी खबर दी, बजाय के जंक्शन वाले जानते हैं 20 ऐसी तंजीमें हैं जो यही काम करती है। मुसलमान पाकिस्तान मीडिया खबर दे रहा 20 ऐसी तंजीमें हैं जो यही काम करते हैं, ये उनका एक प्रोपेगेंडा है अपनी सियासत के लिए, अपनी चौधर के लिए, अपने आप के लिए, लोगों में इख्तलाफ डालने के लिए, झगड़े डालने के लिए। उन्होंने यीशु को नहीं ना वो यीशु को देखना चाहते हैं ना यीशु को जानना चाहते हैं। लोग जानना चाहते हैं, देखो स्नान छोड़ के उसने कबूल कर यीशु को अपना निजात दहिंदा कबूल करते हैं, यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा मानते हैं, उसके तबू से धुल जाते हैं, बपतिस्मा लेते हैं और फिर इतना नहीं गुनाह भी करते हैं। फिर गॉड हालेलुया, बहुत सारी तालियां उन खादमों की। जहां भी गए हैं आखिर वो खिदमत कर रहे हैं हमें, जैसे उन्होंने कहा कि रुपये पैसे की जरूरत है, अच्छा हुआ वो गए, वहां से उनको सपोर्ट और मिली, फिर आते हैं अपना वक्त पैसा, लोग भी सपोर्ट करते हैं, बहुत सारे मिशनरियां ऐसे चल रही है सिस्टम के ऊपर। आपको मैं चर्च का नाम बताता हूँ, वर्ल्ड में सेवंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च, सुना होगा ये नाम आप, पूरी दुनिया में उनकी फैक्ट्रियां नहीं है, पर ना उनकी जमीनें हैं ना उनके बड़े बड़े कारोबार हैं, लोग सिर्फ अपनी दायर की दसवां हिस्सा देते हैं, जैसे वो पूरे जग वर्ल्ड में चल रहा है। कोई मेरा क्या 20-25 यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल, कराची में 7 डे हॉस्पिटल, दिल्ली में एक मैथ क्लिनिक है, इसी तरह हर जगह पर दुर्गाबान में कॉलेज है, हॉस्पिटल में हमको तनखाएं भी मिल रही है, उनकी जरूरियात भी पूरी हो रही है। कैसे होती है? मास्टर साहब ने बताया, आपने अपनी दाया की जखीरा का नाम बताओ, अपनी दाया की जखीरा ये किसी के खाने के लिए नहीं, मास्टर साहब के खाने के लिए नहीं, मेरे लिए नहीं, उनके लिए नहीं है खाने के, ये किस लिए है कि ताकि दाता का नाम क्या करे, क्या हुआ जब लोगों ने ये देखा तो सब बुड़बड़ा कर कहने लगे, जब लोगों ने देखा ये क्या हो अजीब बात होगी, वसूल लेने वाला गुनाहगार, और क्या कहा उसे, कहने लगे कि वो तो एक गुनाहगार शख्स के हाथ, एक गुनाहगार के शख्स का हाथ चला गया, क्योंकि वो वसूल नहीं गए, हाँ चला गया गुनाहगार का। आगे और ज़कई ने खड़े होकर खुदावन से कहा, ऐ खुदावन देख मैं अपना आधा माल गरीबों को देता हूँ, देख मैं अपना आधा माल, देखिए कन्वर्जन, ये है कन्वर्जन, कौन था मशहूर लेने वाला, यहूदी होगा, जब उसने यीशु को देखा और यीशु उसके लिए खड़ा हो गया वहां, और उसने निगाह की उस पर और कहा कि नीचे उतरा, आज मैं तेरे वो आपके खानदान में भी रहना चाहता है,
और उसी वक्त देखे उसकी तौबा देखे। आज मैं ही अपना आधा मालती को दे दूंगा गरीबों को। क्या पाया उसने, क्या सौदा था देखा था पाई। क्या लिखा हुआ आगे, और अगर किसी का कुछ ना हक ले लिया है तो उसको, और अगर किसी का हक लिया हुआ है वो क्या करूंगा, चुभना अदा करूंगा चार गुना। इतना इकरार किया यीशु का, फिर यीशु ने उससे कहा आज इस घर में नजात आई। आज इस घर में क्या है, नजात आई। बहुत सारी तालियां। तेरे यहाँ एक बेटा पैदा होगा तो उसका नाम क्या रखना, यीशु। क्या करेगा वो, वकील बनाएगा, लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। किसी को वकील बनाने नहीं आया, पर अबे खरीद के नहीं दे रहा है, गड्डियां खरीद के नहीं देने आया था। सुन रही हो आप भी, सीखिए हमने ये सबक तो सीखा है ना, किया और फिर पहले किया और फिर सिखाया। अभी पहले सिखा रहे हैं, फिर काटना है, काट रहे हैं कि नहीं काट रहे। हमने सिखाने पर जोर दिया हुआ, इसलिए लोग नहीं कुछ समझ रहे। भाई साहब आप ही लगे नहीं देने, सामने ही सिखा ले आप नहीं कुछ बात। ये वो लोगों के समान मेरे लोग याद रखेंगे खुदावन्द यीशु मसीह। अच्छा एक बात करता हूँ मैं, खुदावन्द यीशु मसीह क्यों इस दुनिया में आए, क्या मिशन था उनका। जब फरिश्ते ने मरियम को पैगाम दिया तो क्या पैगाम दिया था, तेरे हाँ एक बेटा पैदा होगा और तू क्या करना उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो ही उनको गुनहगार के घर में आया, उसके घर रहा, ठहरा, खाना भी खाया होगा। लोग करें तेरे घर में ज्यादा, मेरे घर में मुझ में मेरी कलीसिया में मेरी जिंदगी में निजात आ गई। क्या हम निजात पा चुके हैं, क्या हम निजात पाने वाले हैं, क्या क्या हम निजात पा रहे हैं। हाँ खड़े हैं वहां, यीशु आने वाला है, वहां यीशु आने वाला है। कलामी मुकद्दस में बिल्कुल लिखा हुआ है, बहुत जल्द वो बहुत जल्द आने वाला है। और क्या लिखा हुआ है कि हर एक आंख उसे देखेगी, कुछ अपनी जिंदगी के लिए और कुछ अपनी हलाकत के लिए। वही यीशु फिर आकर, वही यीशु फिर आकर जो कुछ उसने किया हमारे लिए देखना चाहता है, कितने लोगों ने मुझे कबूल कर दिया है, कितने लोग मेरे लहू से धुल चुके हैं, कितने लोगों ने बपतिस्मा ले लिया है और ये कबूल किया है, ऐलान किया है यीशु आज मेरे घर में निजात आई है। कौन सी शक्ल जिंदगी है हमारी, क्योंकि ये भी अब्राहम का बेटा है। आप किसके बेटे हैं, अपने, हम भी अब्राहम के बेटे हैं।
और उन पर वाजिब है कि वो निजात पाए। जिंदगी में बहुत कुछ हम पाना चाहते हैं, बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, बहुत कुछ सुनते भी हैं। आप क्या चाहते हैं? जबूर का वन दर्शन पर आए आए खुदावन मेरे अंदर पाक दिल पैदा आए खुदावन रवाओं से सुने, मिन्नत करें, दुआ करें, झुक जाए खुदावन के सामने और कहें आए खुदावन आगे मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर और मेरे बातन में असर नौ मुस्तकीम और मेरे बातन में जिस्म में क्या कर असर नौ मुस्तकीम रूह डाल दे। वो रूह नहीं आयत गई, आयत गई मेरे अंदर क्या कर मुस्तकीम रूह। वो कौन है? और फिर रूह है मेरे अंदर पाक रूह डाल दे और दूसरा मुस्तकीम रूह डाल दे आगे मुझे अपने हजूर से खारिज ना कर मुझे अपने हजूर से खारिज ना कर और अपनी पाक रूह को मुझसे और मुझको अपनी पाक रूह से जुदा ना कर। पहले भी कहा जिसमें मसीह का रूह नहीं वो मसीह का नहीं हो रहा और वो दाऊद फिर मांग रहा है क्योंकि वो जानता है वो कहां खड़ा है, वो जानता है कि वो किसका दिल पसंद है खुदा का। इतना प्यारा पहला शख्स है बाइबल में जिसे खुदा ने ये लफ्ज कहे आप किसके दिल पसंद है हम किसके दिल पसंद हो खुदावंत के हो खुदा के हो। दुनिया की काम आज पता क्या बड़ी वार्निंग दी है और हालात नजर आ रहे हैं। जापान मेरा क्या 98,000 की एक डिस्क बनाना चाह रहा है। लोग फिजा में जाएंगे ऊपर उस डिस्क पर 6 महीने के किनारे से लगा क्या ले जाए क्या ले जाएंगे भाई खुदा मिल जाएगा निजात मिल जाएगी शफा मिल जाएगी उस लिफ्ट पर जाने से। क्यों दुनिया पागल हो गई हम सजा की शायद करना चाहते हैं बनाओ उन्होंने बाबू का बोली बनाया क्या क्यों होया ये लिफ्ट आते ही रहते कौन सी अजीब अजीब दुनिया और इंसान अपने लिए चीजों को बना रहा है। क्या जहां पत्थर पर पत्थर 98,000 की कितने हजार की पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहा जितना भी बन रहा है 1 किलोमीटर दुबई वालों ने 6 फरलांग बनाया जी उन्हें पूरा किलोमीटर पूरा कर दिया फिर भी करना अजीज हो याद रखे बहुत चलता है। आपको मैं बता रहे हो 2038 में पेशन भी कर दी वर्ल्ड विल एंड 2038 कितने साल बाकी है 14 साल बाकी है कर लो जो मुश्किल हो जाएगी। लेकिन ये वो लोग हैं जो स्टडी करते हैं जियोलॉजिस्ट है एस्ट्रोनॉट्स है बहुत कुछ के इलम रखते हैं लेकिन ये कहां से लेते हैं इलम दुनिया के हालात देख देख कर स्टडी करते हैं क्या होने वाला है जो कुछ हो रहा है वो सोचने कैसा हो सकता है। बाइबल ने भी लिखा है एक वो बहुत जल्द आने वाला और हर एक आंख
ਸ਼ੁਕਰ ਬਣੇ ਅਸੀਂ ਬਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਫਨਾ ਬਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਕੀ ਅਸ਼ਵਾ ਨਾ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਬਟ ਅਭੀ ਕਿ ਕਹਤਾ ਮੈਂ ਬਾਕਰੇ ਮੇਰੇ 26 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਮੁਸਾਵਰ ਦੇ ਖੁਦਾ ਜੋ ਚਾਹਤਾ ਹੈ ਮਾ ਕੋ आज भी मैं अपने काम में और उतना ही एनर्जी देता हूँ जितना को बाद 20 साल पहले मेरे काम में कोई कमी नहीं है शायद नहीं ये वो I'm doing that same as I am इसीलिए आपकी बख्शीश अच्छी सेहत होना ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है नो शुगर नो ब्लड प्रेशर कभी कभी ये टेस्ट की प्रॉब्लम होती है सभी लोग हैं थैंक यू देखें खुदा क्या क्या काम करता है अजीम और अजीब काम करता है दो हफ्ते से मैंने पुरानी जगह से जॉब छोड़ दी मैं उससे पहले लगा हुआ था किसी जगह आई गॉट अ वेरी गुड जॉब कंपनी अकोमोडेशन अरेंज कर रही है ऑफिस दिया है लेकिन याद रखिए खुदा इंतजाम करने वाला है गाड़ी दी है 2023 मॉडल है जीप है किया विद द ड्राइवर और भी तेरे बाबा ने प्रोजेक्ट भी मुझे मिल गया डायमंड मिली दो प्रोजेक्ट मुझे मिले डायमंड मिल कर काम है हमारा सैटरडे पब्लिक शुरू कर दिया मैंने सिर्फ खुदा से ये मांगा मैं अभी नहीं जाना चाहता जाऊंगा लेकिन मैं अपना हकाम दुरुस्त करके जाऊंगा और कंपनी ने गारंटी दी है तो मैं ब्लैक लिस्ट होके नहीं जाना चाहता मैंने खुदा से ये मांगा मैंने ये नहीं मांगे मैंने ये ना कहा कि मेरा काम लग जाए और मैं बेस्ट लिस्ट को भी जा चुका है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा ढूंढो तो पाओगे नवादा करके लाओ तुम्हारे वास्ते कहीं ने यही कुछ किया और जो करने के बाद उसे अजर मिला आज तेरे घर क्या है आज मेरा ईमान है आपके घर में भी आपके घराने में भी आपकी जिंदगी में भी निजात आ जाएगी आ गई है प्रेज द लॉर्ड कोशिश करें दौड़े आपको दौड़ना आप पाए कलाम में दौड़ लगाए सुने सीखे बताए लोगों को हकीकत क्या है और उनकी स्टडी ये कहती है ये लोग बाइबल से हेल्प लेते हैं ये बाइबल से सीखते हैं पेशेंट दोनों का मुताला करते हैं जो कुछ हो रहा है दुनिया में इस वक्त ये ऐसा ही कब तक लंबी सीखे हुआ लेकिन ऐसे नहीं हो असर नौ मुस्तफी रूह हमारे पाचन में डाल पाचन कमजोर नहीं होना चाहिए उसी खुदावन ने शिक्र को क्या कहता माल की किताब में क्या है जब तक तुम कुवत का लिबास ना क्या करना ठहरे रहना जब तक तुम्हें कुवत का लिबास वो शकील थे ना स्लीपर थे ये जब उसी को पकड़ पाया गया कहां थे ये लोग भाग गए छोड़ गए उसे मैयत पर भी नहीं थे ये लोग लेकिन इन्हीं लोगों ने
ठहरे रहना जब तक कुवत का लबाब नाम मिल जाए। अब जब उन्हें मिल गया, आज हमारे पास बाइबल में मसीहा है। ठीक है, मसीहा से है, किसके मसीहा से है? उन लोगों से जो दौड़ गए थे, भाग गए थे। पत्रस ने बाद में क्या किया था? फौजी का कान काट दिया था, खड़ा देने से बारिश क्यों यार? और ये उन्हीं लोगों ने कैसे किया? ठहरे रहना, क्या कहा था? जब तक तुम्हें कुवत का लबास ना मिल जाए। आपके लिए भी यही करना, मेरे लिए भी यही, हमें भी ठहरे रहना है जब तक हमें कुवत का लबास नहीं मिल जाता। Keep on. देख, वो इंतजार कर रहा है क्योंकि वो जानता है कि मैं बहुत जल्द फिर आने वाला हूँ। मैं कहता हूँ आगे तुम्हारे लिए जगह का तैयार करूँ और फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले जाऊँ। कहा मैं रहता हूँ, तुम भी मेरे साथ रहो। डरिएगा कोई बात नहीं, इस बड़े शहरी टाउन में नहीं जाता। कहा जहां मैं रहता हूं मैं तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगा। कहां पर है? पास के दाने हाथ अपनी सल्तनत के साथ बैठे हूं। हजारों करोड़ों फरिश्तगण उनके आसपास है, चौबीस बुजुर्ग उनके तख्त के आसपास बैठे हुए हैं, और उसके अलावा जो पहली के अमल में लोग जिंदा हुए वो आसमान पर है, इंसान है वो भी आपके जैसे, वो भी लोग वहां मौजूद है, अनुग वहां, एलिया वहां पर मौजूद है। हम ये सोचे कि इंसानों से आएगी, इंसान है जो पहले कियामत पर जिंदा हुए थे, वो कैसे लोगों ने देखा? कहां गए? आसमान पर था। आज आपके लिए भी वही बता, आपको भी लेके जाना, माल दौलत काम काज भूल जाओ, काम अपने जगह है लेकिन अपना वक्त खत्म किसी को नहीं। दो घंटे भी करेंगे, पांच घंटे ड्यूटी है, दस घंटे ड्यूटी है, फिर क्या है? छह सात घंटे, आठ घंटे सो रहे, फिर भी वक्त है आपका। Keep on. आपकी तमाम जरूरियात, आपकी तमाम कमजोरियां जिनके लिए आप भाग दौड़ कर रहे हैं, वो मारी जाता है, वो भी ना हो जाए। आए खड़े हो जाए, एक दवा जरूर काम नौ से बारह ना एक दोबारा करेंगे हम। गौर से सुने, प्लीज कम फॉरवर्ड। की तरफ से अपना मुंह फेर ले, फेर ले, मेरी सब बदकारी मिटा डाल, और मेरी सब बदकारी मिटा डाल। ऐ खुदा, ऐ खुदा, मेरे अंदर पाक दिल पैदा, ऐ खुदा मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर, और मेरे बातन में, और मेरे बातन में सरेराओ मुस्तकीम रूडा, मुझे अपने हजूर से खारिज ना कर, और मुझे अपने हजूर से खारिज ना कर, और अपनी पाक रूह मुझसे जुदा ना कर, मुझे अपनी पाक रूह को मुझसे जुदा ना कर, अपनी निजात की शादमानी मुझे फिर अनायत कर, और अपनी निजात की शादमानी, शादमानी किसकी है? निजात की, फिर अनायत कर, फिर अनायत कर, और मस्तैद रूह से मुझे संभाल, और मस्तैद रूह से मुझे संभाल। आमीन। आए अपने सिर को झुकाए, दुआ करें, सब अपने लिए दुआ।